आज की अपनी ये क्लास, हमारी ये जो क्लास है ये क्लास एमपी सेट और यूजीसी नेट की है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं बातचीत कर रहा हूँ यूनिट नंबर थर्ड पर, और यूनिट नंबर थर्ड में दिया गया है सामाजिक समूह कार्य के बारे में, है ना। तो आप देखिए जरा, आपके पास जो है यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है सिलेबस, और हम बात करने वाले हैं सामाजिक समूह कार्य पर, परिभाषा, विशेषता, कार्य, समूह की संरचनाएं और वर्गीकरण, इनके बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र कर चुका हूं। इसमें गठन रह गया है, पहचान, विविधता और पार्श्वीकरण के मुद्दे, इस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, फिर प्रिंसिपल पर जिक्र करेंगे, और कुछ थ्योरीज हैं नेतृत्व के सिद्धांत में, वो भी बात करेंगे, और समूह कार्य के भी कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। चलिए पहले तो शुरुआत करते हैं, सामाजिक समूह कार्य किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, सामाजिक समूह कार्य का संबंधों पर आधारित एक प्रक्रिया मानी जाती है, ये बात आप सब लोग जानते हैं, संबंधों पर आधारित है ये। और ये जो है समूह सदस्य और कार्यकर्ता के मध्य जो है संबंध स्थापित करने की बात करता है, जिसके साथ वो कार्य करता है। तो समूह के सदस्यों को व्यक्तिगत और सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यकर्ता अपने संबंधों को, यानी अपने व्यवसायिक संबंधों का उपयोग करता है, और सामाजिक समूह कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्यकर्ता में समूह सदस्यों के जो अंतर व्यक्तिक संबंध है उनको किस तरीके से विकास करने की क्षमता को, निपुणता को, या उसको बढ़ावा देने पर बात किया जाए, या उन पर प्रक्रियाओं पर संचालन किया जाए। तो इस तरीके की बात जो है सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत जो है समूह ही सेवार्थी होता है, ये बात आपको मैं बता दूं तो ट्रेकर ने कहा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती है, जिससे व्यक्ति की उन्नति एवं विकास संभव होता है। कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समूह में उन्नति एवं विकास लाता है। व्यक्ति के लिए समूह आवश्यक होता है, अतः सामाजिक समूह कार्य समूह विकास द्वारा व्यक्ति के विकास एवं उन्नति में सहयोग भी देता है, और वह व्यक्ति और समूह की एक समय में सहायता करता है। जैसा कि नाम से ही पता है आप सबको, सामाजिक समूह कार्य यानी ग्रुप में होगा, कम से कम 6 से 7 लोग होंगे या 2 से 3 लोग होंगे, यहाँ पे ये ग्रुप बनाया होगा। इस ग्रुप के माध्यम से, इस ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं उन सब पर जो है ये क्रियाविधि संचालित की जाती है, यानी समूह कार्य इन्हीं लोगों पर संचालित किया जाता है। तो सामाजिक समूह कार्य एक प्रकार की, हम कह सकते हैं कि मनोसामाजिक प्रक्रिया है। ये क्या है? मनोसामाजिक प्रक्रिया है। कौन? सामाजिक समूह कार्य। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नेतृत्व की योग्यता और सहकारिता के विकास से उतनी ही संबंधित है जितनी कि सामाजिक उद्देश्य के लिए सामूहिक रुचि के निर्माण से है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप के जितने लोग हैं वो बेसिकली जागरूकता में, सहभागिता में, ठीक है, साथ ही साथ सहकारिता के विकास में, यहाँ तक कि रुचि के निर्माण में, रुचि का मतलब इंटरेस्ट में, ठीक है, उसके निर्माण में जो सामाजिक उद्देश्य, जो सामाजिक कार्य के उद्देश्य हैं, उसको एक प्रकार से सामाजिक समूह कार्य में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, यानी उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो व्यक्ति के लिए समूह जो है आवश्यक होता है, अतः सामाजिक समूह कार्य में समूह का विकास द्वारा व्यक्ति के विकास और उन्नति में सहयोग भी देता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और व्यक्ति और समूह एक ही साथ में, एक ही समय में इनकी जो है मदद भी करता है। अगर केस वर्क किया जाता है तो अलग अलग बन जाता है, क्योंकि केस वर्क में समय भी अलग और सेवार्थी भी अलग। ग्रुप में कॉमन समस्या होती है, जो 5-6 लोग हैं उनकी कॉमन समस्याओं पर हम लोग जिक्र करते हैं, इसीलिए कहा जाता है ये ग्रुप वर्क होता है। समाज कार्य की ये एक सहायक प्रणाली है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी, समाज कार्य की ये प्राथमिक प्रणाली है, समाज कार्य की ये प्राथमिक प्रणाली है, वाल्टर एंड्रियास के द्वारा प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब जरा देखिए, सामाजिक समूह सेवा कार्य का अर्थ क्या होगा। परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें तो सामाजिक सेवा कार्य का अर्थ पर प्रकाश डालें तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि, सिद्धांत और कुशलता पर आधारित ये प्रणाली है सामाजिक समूह कार्य, ये पहला पॉइंट रहेगा। यहाँ से प्रश्न अप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न होते हैं, अप्लाइड प्रश्न होते हैं,
तो अगर हम बात करें समूह में व्यक्ति पर बल दिया जाता है। तीसरी पॉइंट पर बात करें किसी कल्याणकारी संस्था के तत्वाधान में ये जो है क्रिया की जाती है, व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती है और सेवा संबंधी क्रियाकलाप जो एक्टिविटी होती है उनमें समूह स्वयं एक उदाहरण के रूप में होता है और इससे प्रशिक्षित कार्यकर्ता कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप में समूह के अंदर अंतः क्रियाओं का मार्गदर्शन करने में अपने ज्ञान निपुणता अनुभव का प्रयोग करता है। और सामाजिक समूह कार्य में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत समूह में व्यक्ति और समुदाय के जो अंश होते हैं उसके स्वरूप में समूह जो होता है वो केंद्र बिंदु होता है और समूह के अंदर जो सेवार्थी होता है वो केंद्र बिंदु होता है। अभी आपको मैंने पहली लाइन बताया और ये स्टेटमेंट ट्रेकर का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में आ चुका है ये। सामाजिक समूह सेवा कार्य अभ्यास में केंद्रीय और मूल जो तत्व होते हैं वो सामाजिक संबंधों को सचेत और निर्देशित करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, समाज कार्य आप सब जानते हैं कि व्यावसायिक प्रक्रिया है और समाज कार्य व्यावसायिक प्रक्रिया होने के नाते आपको बता दूं कि वहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा आप लोगों को, यानी सुव्यवस्थित ढंग से आपको किसी समस्या के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, क्रमबद्धता को फॉलो करना पड़ेगा, प्रविधियों को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कुछ थ्योरीज हैं उसको लागू करनी पड़ेगी, कुशलता पर आधारित होता है यानी निपुणता पर आधारित होता है टास्क, क्रिएटिव रचनात्मक क्रियाविधि जहाँ पर बात आती है या सृजनात्मक क्रियाविधि जहाँ पर बात आती है उस पर ये आधारित होता है सामाजिक समूह कार्य। जरूरी नहीं कि केवल ये ग्रुप वर्क में ही आधारित हो, आप यहाँ पे सोच सकते हैं केस वर्क पर भी ये प्रक्रिया संचालित हो सकती है, कम्युनिटी वर्क पर भी ये प्रक्रिया संचालित हो सकती है। समूह में व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति पर बल दिया जाता है, समूह में व्यक्ति पर बल दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये केस वर्क हो गया, कोई कोई प्रश्न में ऑलरेडी आपको बता देगा कि समूह पर बात करेगा, है ना, वो ऑलरेडी आपको प्रश्न बता देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा ये समूह वर्ग का एक प्रकार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उद्देश्य बन जाता है या उसकी विशेषता बन जाती है। फिर अगर हम बात करें तो कल्याणकारी संस्थानों के तत्वाधान में काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि समाज कार्य के कुछ अंग होते हैं तो उसके अंतर्गत जो है केस वर्ग का कुछ अंग तीन अंग होते हैं, ग्रुप वर्ग के तीन अंग होते हैं, कम्युनिटी वर्ग के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से, जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक सेवार्थी हो जाएगा, एक संस्था हो जाएगी और एक कार्यकर्ता हो जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना, सेवार्थी ये केस वर्क में होगा, समूह आपका ग्रुप वर्क में बन जाएगा और कम्युनिटी वर्क में आपका ये समुदाय बन जाएगा, बाकी संस्था और कार्यकर्ता रहेंगे ही रहेंगे। आगे अगर बात करें व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई समस्या है, जैसे मैंने वृद्ध व्यक्तियों की समस्या ले ली यहाँ पे, अब वृद्ध व्यक्तियों के पास समस्या है तो हमें ग्रुप में इसको लाने के लिए जो एज है 60 प्लस वाले, तो इन एज वाले जितने ग्रुप के लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, उनको हम क्या करेंगे ग्रुप में डाल देंगे और इनकी समस्या हम एक लेंगे कॉमन समस्या जो सभी पर लागू हो सके, ठीक है। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो सहायता करेंगे वो समूह के माध्यम से करेंगे इन सभी लोगों की, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और इसको जो काम करेगा वो एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता होगा, कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप भी करेंगे, समूह के अंदर जो अंतःक्रिया होगा उसको मार्गदर्शन देंगे, ठीक है, इस तरीके की कार्य जो है संचालित करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत एक व्यवस्थित ढंग से समझाने के लिए अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ दी गई हैं, उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है न्यूज ट्रेड के बारे में। 1935 में स्वैच्छिक संघ के द्वारा व्यक्ति के विकास और सामाजिक समायोजन पर बल देने हेतु एक साधन के रूप में इस संघ का उपयोग जो है सामाजिक इच्छित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रक्रिया के रूप में सामाजिक समूह कार्य को परिभाषित किया गया है। तो आप ये बात कह सकते हैं जहाँ स्वैच्छिक संघ आए, जहाँ स्वैच्छिक संगठन आए, उनके माध्यम से व्यक्ति का विकास कर रहे हो आप, उन व्यक्तियों को समाज के मुख्य धारा से आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ आप शैक्षिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, भाषाई प्रक्रिया इत्यादि जो भी मनोसामाजिक पक्ष हैं उसको संचालित करते हैं तो वह क्या कहलाता है, सामाजिक समूह कार्य कहलाता है। लेकिन यहाँ ट्रिक बना लीजिए आप, स्वैच्छिक संघ और साथ ही साथ सामाजिक इच्छित जो उद्देश्य है, और इच्छित का मतलब ये हुआ जो आवश्यकता वाले लक्ष्य हैं, जो आवश्यकता वाले लक्ष्य हैं उनकी बात करेगा ये सामाजिक समूह कार्य में, तब आप कह दीजिएगा न्यूज ट्रेड की ये परिभाषा है। आगे बढ़ेंगे,
आगे एक परिभाषा आता है ग्रेस कोले महोदय के बारे में। ग्रुप वर्क में अगर कोई व्यक्ति या कोई विद्वान फेमस रहा है तो ग्रेस कोले महोदय हैं, विल्सन और राइलैंड भी है, हैमिल्टन जी भी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें आप लोगों से तो इसमें आप लोगों को जॉर्ज होमस का भी नाम हमें देखने को मिलता है। अभी मैं आपको उनकी भी परिभाषा बता दूंगा। ग्रेस कोले ने क्या परिभाषा में दिया है कि जो सामाजिक समूह कार्य है उसका उद्देश्य सामूहिक स्थितियों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा व्यक्तियों के विकास करता है और ऐसी सामूहिक स्थिति से उत्पन्न करना जिससे समान उद्देश्यों के लिए एकीकृत और सहयोगी सामूहिक क्रिया हो सके। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि समान उद्देश्यों के लिए, जब मैंने 60 वर्ष के प्लस के व्यक्तियों को लिया, वृद्ध व्यक्तियों को लिया, तो इनकी एक कॉमन समस्या होगी जो बता रहा है समान उद्देश्य बनेगा वो आपका। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं उन व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं द्वारा व्यक्तियों का विकास किया जाएगा, अंतःक्रियाओं द्वारा व्यक्तियों का विकास किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, वही सामाजिक समूह कार्य कहलाएगा। कीवर्ड यहाँ पर रहेगा समान उद्देश्य ग्रेस कोले का और दूसरा व्यक्तियों की सहायता अंतःक्रियाओं से होगी, ये कीवर्ड बनेगा। आगे बात करेंगे विल्सन और आइलैंड के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लेन कमेटी 1939 में आई थी, धर्मार्थ चीज़ों पर बात की थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, बात करते हैं विल्सन और आइलैंड के बारे में। सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है जिसके द्वारा सामूहिक जीवन एक कार्यात्मकता द्वारा प्रभावित होता है जो समूह की परस्पर संबंधी प्रक्रिया को उद्देश्य प्राप्ति के लिए सचेत रूप से निर्देशित करता है जिससे प्रजातांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यहाँ आपको बता दूँ मनोसामाजिक प्रक्रिया है। मनोसामाजिक प्रक्रिया क्या है, तो सामाजिक समूह कार्य है। पहला कीवर्ड्स आप ध्यान रखेंगे विल्सन और आयरलैंड के बारे में। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि जो सामूहिक जीवन है वह एक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित होता है। जो सामाजिक समूह कार्य आप करते हैं वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता के द्वारा यानी आपके द्वारा ही वो प्रभावित होता है। प्रभावित किस तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से, कुछ रिस्पॉन्स होना, कुछ सक्रिय भागीदारी होनी या कोई क्रियाविधि होना सकारात्मकता को दिखाता है और ये सकारात्मकता एक प्रकार से प्रशिक्षित कार्यकर्ता में होती है जो एक प्रकार से वो परिवर्तन जैसी प्रक्रिया पर बात करता है। जो समूह की परस्पर संबंधी प्रक्रिया के उद्देश्य में प्राप्ति के लिए सचेत रूप से निर्देशित करता है यानी उसको मार्गदर्शन देता है। वहीं बात करेंगे, एक परिभाषा आता है हैमिल्टन की। हैमिल्टन महोदय के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें तो हैमिल्टन कहते हैं कि सामाजिक समूह कार्य एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है। ये भी परिभाषा हैमिल्टन के द्वारा दी गई है, जिस तरीके से विल्सन और आयरलैंड में कह सकते हैं ठीक उसी प्रकार से हैमिल्टन की परिभाषा में भी मनोसामाजिक प्रक्रिया को जोड़ सकते हैं। परंतु एक कीवर्ड लिखिएगा, जो नेतृत्व की योग्यता और सहकारिता के विकास को उतनी ही संबंधित है जितनी सामाजिक उद्देश्य के लिए सामूहिक अभिरुचियों का निर्माण से, है ना, सिंपल बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी परिभाषा में आप ध्यान रखिएगा, अगर हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में लिखा हुआ है नेतृत्व के बारे में बताना, उसकी मीनिंग, अर्थ, उसके थ्योरीज, उसके मैनेजमेंट इत्यादि के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप समझ जाइएगा कि अगर नेतृत्व की भूमिका मुख्य रूप से अगर आती है तो ग्रुप वर्क में आती है लीडरशिप की भूमिका, और ये बात कौन कहता है नेतृत्व की योग्यता में, हैमिल्टन कहता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे खासकर। आगे बात करेंगे, मैं कह रहा था आप लोगों से दो तीन परिभाषाओं के बारे में और जिक्र करेंगे हम लोग, जैसे मैं आपको बता देता हूँ उनकी परिभाषाओं भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक परिभाषा आती है डगलस की। आवाज़ क्लियर है? जी सर। ओके, अब जरा सा आप सभी लोग परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक परिभाषा है डगलस महोदय की। डगलस महोदय कहते हैं जो स्वयं समूह कार्य हो, कौन सा कार्य हो, स्वयं समूह कार्य हो, उसके लिए अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टम थ्योरी का प्रयोग करता है। अधिकांश सोशल वर्कर क्या यूज़ करता है बताएं, सिस्टम थ्योरी का प्रयोग करता है। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, तुरंत आप कह दीजिएगा ये ग्रुप वर्क में, ठीक है, स्वयं समूह लिखा और इनका बेसिकली जो नाम आता है वो नाम आता है सामुदायिक संगठन के
सिद्धांत में, और इन्होंने कुल टोटल 28 सिद्धांत दिए, 7 सिद्धांत शीर्ष पे रहे हैं, ये बात आपको पता है। परंतु जब बात आती है ग्रुप वर्क की यानी समूह कार्य की, तब तुरंत आप रिलेट कर दीजिएगा डगलस का नाम और ध्यान रखिएगा सिस्टम थ्योरी का। सिस्टम थ्योरी 1940 में लुंडविन बार्टा लाम्फी का नाम आता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। स्पष्ट हुआ तो आगे बढ़ते हैं, एक और परिभाषा लेते हैं, बताइए। जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी परिभाषा देखते हैं हम लोग। जी मैम, क्या कह रहे हैं आप? सर एक बार बताइए सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी मैम, सिस्टम थ्योरी जो होता है वो ग्रुप वर्क में लागू होता है। ग्रुप वर्क के अंतर्गत एक सिद्धांत, एक मॉडल आता है, उस मॉडल का नाम है उपचारात्मक मॉडल, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट। और उपचारात्मक मॉडल जब भी लागू किया जाता है तो उसके अंतर्गत एक गेस्टाल्ट थ्योरी आती है, एक सिस्टम थ्योरी आती है, ठीक है, और एक आपका लेन देन का सिद्धांत आता है, लेन देन का सिद्धांत आता है। ये तीनों सिद्धांत लागू होते हैं सामाजिक समूह कार्य के मॉडल में, और वो मॉडल रहेगा उपचारात्मक, ठीक है। लागू की जाती कोई काम सिस्टम से करने के लिए बोला जाता है क्रमबद्धता को, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे सामने आता है परिभाषा, पर जिक्र कर रहे थे परिभाषा, एक आती है पार्सन्स महोदय के बारे में। पार्सन्स के बारे में आपको बता दूँ, मूल मैतक के एक ऐसा शब्द है जो सोशल वर्क में पूछा गया है, बड़ा ही फेमस शब्द है। और जब बात आती है संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में, संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में, तो इसकी अवधारणा बेसिकली पार्सन्स को जाता है, संरचनात्मक प्रकारवाद, ये दूसरी बात। अब हम बात कर रहे हैं परिभाषा पे, तो ध्यान रखिएगा जो सामाजिक समूह कार्य है उन्होंने समूह सामाजिक व्यवस्था का अंग बताया है। क्या बताया है? समूह सामाजिक व्यवस्था का अंग है, बस। क्लियर? जी सर। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लिख भी सकते हो परिभाषा, अगर आपको पता है तो आप डिस्क्रिप्टिव में भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं ग्रुप वर्क में परिभाषा डिफाइन करने के लिए, है कि नहीं। बात करते हैं एक परिभाषा और, जॉर्ज होमस के बारे में। जॉर्ज होमस ने प्रत्येक समूह की एक आंतरिक एवं एक बाह्य व्यवस्था होती है, बस प्रत्येक समूह की एक आंतरिक एवं एक बाह्य व्यवस्था होती है, और ये बात आपको पता है। सर बाह्य का मतलब क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट जवाब, आपका सही प्रश्न है, मैं बता भी देता हूँ, मैंने कई बार बताया भी हो। वाह समस्या, वाह व्यवस्था, वातावरण आता है, परिवेश आता है ना। यदि आप सही तरीके से वातावरण नहीं स्थापित करेंगे सिखाने में, तो वो व्यक्ति व बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए शांत वातावरण का होना ज़रूरी है, और वातावरण में ऐसे कोई भड़कीला या कोई ऐसा पोस्टर नहीं होना चाहिए जिससे जो अवधान है, जो ध्यान है, उसको डिस्ट्रैक्ट करे, एक प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करे उसमें। तो आपको बैरियर फ्री इन्वायरमेंट के साथ साथ आपको वहाँ का माहौल और वातावरण भी एकदम स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, बनाए रखना होगा। ये समूह कार्य में बाह्य वातावरण की प्रक्रिया को भी संचालित करता है ना। वहीं बात करते हैं, एक और विद्वान का नाम आता है, वह नाम आता है आपका एंडरसन का नाम। एंडरसन महोदय के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है कि सामूहिक, क्या बोला है, सामूहिक प्रकार्यता, क्या बोला है, प्रकार्यता हेतु
सिस्टम, ठीक है, सिस्टम सिद्धांत का विस्तृत, ठीक है, प्रयोग और अनुप्रयोग, अनुप्रयोग होता है। ये परिभाषा एंडरसन का नाम आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा ग्रेस कोयले, हैमिल्टन, डगलस, जॉर्ज होमस, तीन चार जो परिभाषा बताया वो आईएमपी है। ये पेपर में रिपीट होते हैं, आ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, किस विद्वान ने अपनी परिभाषा में, अपनी सामाजिक समूह कार्य की परिभाषा में शिक्षात्मक प्रक्रिया का प्रयोग किया है? कौन बच्चा बताएगा मुझे? यही कारण है कि आप फोकस नहीं करते हैं। अगर मैं तीव्र गति से चल रहा हूँ तो आप मुझे बताएं, मैं स्लो चलूँगा, परंतु जो मेन चीज़ें हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए आप लोगों को। मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़ स्ट्रेट का नाम अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ आप देखिए शिक्षा प्रक्रिया का रूप में सामाजिक समूह कार्य लिखा हुआ है। यस या नो? देख रहे हैं परिभाषा में? जी सर। तो मैं कहा कि किस विद्वान ने अपनी परिभाषा में सामूहिक कार्य को एक शिक्षात्मक प्रक्रिया बताया है, तो न्यूज ट्रेटर का नाम लगाइएगा और यह नाम आपका फिर सही चला जाएगा। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट शब्द था हमारे लिए ये, ठीक है। तो इसी तरीके की जो है परिभाषाएं को लेकर कभी कभी एक एक जो मैं कीवर्ड लिखवाता हूँ ना, ये इसीलिए लिखवाता हूँ कि एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए प्रश्न बनाते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। ऑन कर, स्पष्ट हुआ तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ उद्देश्य पर, बताइए। जी सर। अब देखिए सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत कुछ उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य आपको भलीभांति तरीके से पता है, सिंपल सी बात है। सामाजिक समूह कार्य व्यक्ति के विकास के उद्देश्य की प्राप्ति का आधारभूत साधन जो होता है वो क्या होता है? स्वरूप होता है। और सामाजिक समूह सेवा कार्य में उद्देश्य और कार्य प्रणालियाँ परस्पर संबंधित होती हैं। उनके जो उद्देश्य हैं, जो कार्य हैं और जो उद्देश्य हैं वो परस्पर उससे संबंधित होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और उद्देश्यों से कार्यकर्ता को कार्य करने की दिशा का ज्ञान होता है, उद्देश्य से कार्यकर्ता को यानी आपको। तो सामाजिक कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्यकर्ता जो है व्यक्तियों में सामंजस्य बढ़ाने और सामूहिक उत्तरदायित्व एवं चेतना का विकास करने में सहायता देता है। और सामूहिक कार्य द्वारा व्यक्तियों में इस प्रकार की चेतना उत्पन्न की जाती है, क्षमता का विकास किया जाता है कि जिससे समूह और समुदाय के क्रियाकलापों में जिसके वे अंग हैं बुद्धि मत्तापूर्वक भाग ले सकें और उन्हें अपनी इच्छा, आकांक्षाओं, भावनाओं, संधि यानी मित्रताओं इत्यादि की अभिव्यक्ति का अवसर मिल सके। तो समूह कार्य में जो अवसर की बात होती है वो उद्देश्य को भी, समानता की जो बात होती है वो भी उद्देश्य को शामिल करता है, और उत्तरदायित्व की जो बात होती है वो भी आपको शामिल करता है। ये ऐसे शब्द हैं जो समूह कार्य के जब प्रश्न आते हैं तो उनके ऑप्शन में ये शब्दों का प्रयोग अवश्य किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए उद्देश्य से प्रश्न पूछे गए हैं, मेडिकल सोशल वर्क में ये प्रश्न तो आया हुआ है, अभी हाल ही में पेपर में प्रश्न हुआ था राजस्थान में आरपीएससी का, जो 28 जनवरी 2023 का पेपर था, उसमें सामाजिक समूह कार्य के उद्देश्य से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आप लोगों को पेपर वो करवा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और 50 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको करवाऊँगा तो फिर बता भी दूँगा मैं आपको। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये शब्द हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं
ग्रेस कोयले लिखा हुआ है। ये ग्रेस कोयले विद्वान है एक, जो समूह कार्य में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि सन 1935 में ग्रुप वर्क आ गया था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम बात करें तो व्यक्तियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार विकास का अवसर प्रदान किया जाता है, ये ग्रेस कोयले ने कहा। दूसरी बात कहा कि व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों और समूहों और समुदायों से समायोजन प्राप्त करने में सहायता देना, और तीसरी बात आप देख सकते हैं कि समाज के विकास हेतु व्यक्तियों को प्रेरित करना, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। फिर इन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपने अधिकार, सीमाओं और योग्यताओं के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के अधिकार और योग्यताओं एवं अंतरों को पहचानने में सहायता देता है। ये चार टाइप के जो है ग्रेस कोयले महोदय का सामाजिक समूह कार्य में उद्देश्य है। पहला नीड, दूसरा एक प्रकार से समायोजन करना, ठीक है, समायोजित करने को क्या बोलेंगे हम लोग, समायोजन करने को क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्लूसिव, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट भी कह सकते हो, और इंक्लूसिव जो शब्द आता है ये समावेशन शब्द को रिलेट करता है। फिर उसके बाद तीसरा शब्द आता है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। चौथा शब्द आपके सामने आता है कि सीमा और योग्यता के साथ साथ, यानी आप योग्यता यानी एबिलिटी आप नोट करें, एबिलिटी नोट करें, और उसके बाद आप उसकी सीमाओं को नोट करें, यानी उसकी जो बॉर्डर लाइन पे जो चीज़ें आती हैं उनके अंतरों की बात करता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको, चार ऐसे शब्द हैं, ये कीवर्ड है चार, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं मेहता महोदय के बारे में। मेहता एक विद्वान हैं, इन्होंने भी सामाजिक समूह कार्य में कुल चार उद्देश्य बताए। एक तो बताया परिपक्वता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की सहायता ज़रूरी है, मैच्योरिटी के लिए व्यक्तियों की सहायता ज़रूरी है। दूसरी बात इन्होंने बताया पूरक सांवेगिक और सामाजिक खुराक प्रदान करना। तीसरा बताया नागरिकता और जनतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना। चौथा बताया असमायोजन और व्यक्तिक और सामाजिक विघटन उपचार करना। ध्यान रखिएगा मेहता महोदय के बारे में भी, तो व्यक्तियों की सहायता करना हो जाएगा और सांवेगिक और सामाजिक खुराक प्रदान करना, मतलब आप यहाँ पे सुरक्षा शब्दों को रिलेट कर सकते हैं खुराक की बजाय, और जनतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना, और असामाजिक और व्यक्तिक और सामाजिक विघटन का उपचार करना यानी ट्रीटमेंट करना। ये चार शब्द आप मेहता महोदय में भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई तो एक बार ओके करिए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। यस सर। जी सर। देखिए अब ध्यान रखिए, यही पेपर में नाम आए हुए थे, एक विल्सन और राइलैंड से पेपर में नाम आया हुआ था, और दूसरा आपका ट्रेकर से भी आया था, फिलिप्स से भी, कुनपका से, ये चारों क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब पहली बात अगर हम करते हैं तो विल्सन और राइलैंड ने दो टाइप के बताए हैं सामाजिक समूह कार्य के उद्देश्य। पहला कहा कि समूह के माध्यम से व्यक्तियों में जो है सांवेगिक संतुलन को बनाना होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना होता है, उनको बनाना होता है, तो ये एक प्रकार का उद्देश्य कहलाएगा, ठीक है, विल्सन और आइलैंड का ये, जहाँ पे सांवेगिक इमोशनल कोऑर्डिनेशन की बात होगी आप ध्यान रखेंगे ये शब्द सही जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि समूह के उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना और आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक जनतंत्र के लिए ये आवश्यक है। तो प्राप्ति के लिए सहायता करना और आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक, ये तीन शब्द भी आप ध्यान रखेंगे, IMP है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ट्रेकर के बारे में। ट्रेकर महोदय ने भी दो टाइप के बताए हैं, हालांकि HB ट्रेकर का नाम बड़ा फेमस है UGC नेट में, उसकी सिद्धांत को लेकर, उसके प्रिंसिपल को लेकर, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस को लेकर, यहाँ पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। मानव व्यक्तित्व का संभव उच्चतम विकास करना होता है, ये आपका ध्यान रखना होगा, मानव व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संभव उच्चतम विकास करना होगा, चहुमुखी विकास करना होगा, चहुमुखी विकास करना होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जनतांत्रिक आदर्शों के प्रति समर्पित और अनुरक्त की बात करेगा, जब जनतांत्रिक आदर्शों की बात करेगा तब भी आप ध्यान रखेंगे किसका नाम, ट्रेकर का नाम।
फिलिप्स एक विद्वान है, इन्होंने केवल एक ही बताया है, सदस्यों का समाजीकरण, सदस्यों का समाजीकरण होता है सामाजिक समूह कार्य के उद्देश्य में। और एक विद्वान आते हैं कोनफका महोदय, गसल कोनफका ने भी एक बताया है, सामूहिक अनुभव और सामाजिक कार्यकर्ता में वृद्धि। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? जी सर। नो सर। चलो। नो सर। बहुत बढ़िया है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अभी तक आप लोगों ने परिभाषा को देख लिया, उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को देख लिया, उद्देश्य को भी आप लोगों ने देख लिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द हैं ये सभी के सभी। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। हालांकि अगर हम जब जिक्र करते हैं इनके उद्देश्यों में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उद्देश्यों को आप जब अप्लाइड टाइप के प्रश्न बनाए जाते हैं, जहाँ आपको कूट मिलते हैं, जहाँ आपको कूट मिलते हैं, उन कूट में आपको मैं बता दूँ, ऑप्शन लिखा होता है, कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं ए बी सी डी ई करके, इन पॉइंटों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये प्रश्न अप्लाइड में, अभी जो उद्देश्य आप ऊपर देखे हैं वो फैक्ट के आधार पे थे। अब देखिए आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा एकांतता की समस्या का समाधान करना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो स्वलीनता वाली प्रक्रिया होती है, स्वलीनता वाली प्रक्रिया, ऑटिज़म वाली प्रक्रिया, उसका समाधान किया जाता है, ये सामाजिक समूह कार्य में आती है। तो एकांत में जो व्यक्ति रहना पसंद करते हैं, ये भी एक प्रकार की समस्या ही है, और इन समस्या को दूर करता है सोशल वर्कर। मनुष्य में यह विश्वास जगाना है कि तिरस्कार पूर्ण जीवन व्यतीत ना करके ऐसा जीवन व्यतीत करें जहाँ लोग उसे यह विश्वास दिला दे कि वह सबके द्वारा स्वीकृति है, वो हर जगह जो है उसका आदर है, सम्मान है। इसका मतलब ये है कि सबके द्वारा स्वीकृति जीवन व्यतीत करते हुए एकांत में रहता है तो वह समस्या नहीं है। सबके साथ अगर वो सबके साथ नहीं है, केवल एकांत में रह रहा है, तो वह एक प्रकार की समस्या है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एक पॉइंट मिलेगा, व्यक्ति के या व्यक्ति को उसके महत्व के बारे में संवेदनशील बनाना। का मतलब कोई भी मनुष्य हो, उसकी यह इच्छा अवश्य होती है कि जिस परिवेश में, जिस वातावरण में वह रह रहा है, अर्थात समाज में उसका कुछ महत्व है और समाज में वह एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे, जिसके लिए वह प्रयास भी करता है कि समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान कोई व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से उसका संबंध हो, और यह संबंध समूह में रहकर स्थापित करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को उसके महत्व के बारे में संवेदनशील बनाना जरूरी है, जो उद्देश्य बताता है सामाजिक समूह कार्य का। तीसरी बात करते हैं, समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी उचित स्थान और कार्य करने के लिए उचित अवसर प्राप्त करने की इच्छा रखता है, परंतु यह स्वीकृति नहीं मिलने पर वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। इसलिए समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना भी एक प्रकार का उद्देश्य माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसे समाज की मान मर्यादा कानून की परवाह नहीं होती है और इच्छा पूर्ति के लिए अवैध अनुचित तरीके से अपनाने लगता है और मानसिक रोगी बन जाता है। ऐसे रोगियों में आत्मसम्मान की कमी होती है, एकांतता से पीड़ित होते हैं और दूसरों से रुष्ट होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का उद्देश्य है कि उसे स्वीकृति प्राप्त करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें, एक आता है
आत्मनिर्भरता विकसित करना या विकसित करने के लिए ग्रुप वर्क करना तो अत्यंत आवश्यक है, या सफल व्यक्तित्व होने के लिए आत्मविश्वास एक आवश्यक अंग है और इसके बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता, ना ही जोखिम उठाने के लिए सक्षम बन सकता है। तो आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए ग्रुप वर्क की भूमिका होती है और ये बात 110% सत्य है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सामंजस्य स्थापित करने की बात करता है, और ये भी बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि समूह कार्य का एक उद्देश्य है कि व्यक्ति जब समूह में रहता है तो उसी के अनुसार कार्य करता है और समाज में रहते या रहने के लिए सामंजस्य की आवश्यकता आवश्यक है ना, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा देखेंगे सामाजिक समूह कार्य में उसके विकास को लेकर। हालांकि ग्रुप वर्क ग्रेस कोयले महोदय और न्यूस्ट्रेट की एक अहम भूमिका मानी गई, हालांकि 1939 में अगर हम जिक्र करते हैं तो हमारे सामने लेन कमेटी का नाम आता है, 1937 में बात करते हैं तो ग्रेस कोयले का नाम आता है, और 1935 में बात करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे नाम किसका आता है, न्यूस्ट्रेट का नाम आता है, न्यूस्ट्रेट का नाम आता है 35। तो सन 1935 में सामाजिक समूह कार्यकर्ता में व्यावसायिक चेतना जागृत हुई और इस वर्ष समाज कार्य की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में सामाजिक कार्य को एक भाग के रूप में अलग से एक अनुभाग बनाया गया, और इसी वर्ष सोशल वर्क ईयर बुक, इसी वर्ष 1935 में ही सोशल वर्क ईयर बुक में सामाजिक समूह कार्य पर अलग से एक खंड के रूप में इसे एक लेख के रूप में प्रकाशित किया गया। और इन दो कार्यों में सामाजिक समूह सेवा कार्य में व्यावसायिक कार्यकर्ता का एक अंग बना। सन 1935 में सोशल ग्रुप वर्क के उद्देश्यों को एक लेख रूप में समाज कार्य की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया, जो स्वैच्छिक संघ द्वारा व्यक्ति के विकास और सामाजिक समायोजन पर बल दिया और एक साधन के रूप में एक संघ का उपयोग एक सामाजिक इच्छित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रक्रिया के रूप में समूह कार्य को परिभाषित किया। और ये बात आपको पता है न्यूज ट्रेटर की है, मैंने आपको अभी अभी बताया है इसके बारे में। हालांकि आपको मैं बता दूं, बस्तियों की स्थापना में पड़ोसियों के सामाजिक जीवन को सुधारने की दृष्टि से की गई थी और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने रॉयनबी हॉल की स्थापना कर दी थी, रॉयनबी हॉल की स्थापना कर दी थी। बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, याद रखेंगे सभी लोग, है ना, क्लियर? जी सर। थोड़ा सा आप लोग जिक्र करें, बताएं। यस सर। इस चीज़ को आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमें छोड़ना नहीं चाहिए इसमें, है ना। तो आगे अगर हम बात करते हैं इसी समूह कार्य के ही अंतर्गत, तो समूह कार्य के अंतर्गत माइक मिलन की भूमिका प्रत्येक सामाजिक प्रक्रिया के तत्वों में विद्यमान रही, व्यक्तिगत व्यवहार, सामूहिक संबंध, अंतर संबंध। माइक मिलन महोदय ने भी अपनी एक अहम भूमिका समूह कार्य में निभाया था, ठीक है। और रॉयनबी हॉल भी आप बस्तियों की स्थापना में आप ध्यान रखेंगे। पड़ोसी गिल्ड की नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, 1986 पड़ोसी गिल्ड का नाम, ठीक है, जहां बस्तियों की स्थापना पड़ोसियों के सामाजिक जीवन को सुधारने की दृष्टि से किया गया था। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक और ऐसे शब्द को, जैसे 1935 में सामाजिक समूह कार्य विकास के रूप में व्यावसायिक प्रक्रिया था, क्या था ये, व्यावसायिक प्रक्रिया। और 1950 में आपको ध्यान रखना है कि छोटे समूहों से
संबंधित ज्ञान के क्षेत्र में विस्फोट हुआ था ग्रुप वर्क में। ग्रुप वर्क में क्या हुआ था, छोटे समूहों से 1950 में, 1936 में समूह कार्य का अभ्यास हेतु आपने नाम सुना होगा अमेरिकन एसोसिएशन, नाम सुना है जी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क, हाँ, का गठन बेसिकली 1936 ग्रुप वर्क के रूप में किया गया। और यही जो है सामाजिक कार्यकर्ताएं जो है 6 जे हॉस्पिटल के रूप में आपने नाम सुना होगा, जो व्यावसायिक समूहों के साथ मिलकर वर्ष 1955 में राष्ट्रीय समस्या कार्यकर्ता एसोसिएशन का गठन किया था। क्लियर हुआ, बताइए एक बार। जी सर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये ऐसे वर्ष हैं जो पेपर में मिल सकते हैं आप लोगों को, पॉइंट्स हैं सारे के सारे। अच्छा, आगे जिक्र करेंगे। अब आगे हमारे सामने एक विद्वान का नाम आता है, हार्टफोर्ड का विचार। हार्टफोर्ड के विचार में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में विकास और सामाजिक समायोजन करने में, दूसरा ज्ञान और निपुणता में वृद्धि और व्यक्तियों की रुचि को बढ़ोतरी में, तीसरा समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना के विकास में। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। 3 कौन से हैं, ये प्रमुख क्षेत्र हैं, हम लोगों से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं हार्टफोर्ड के अनुसार समूह कार्य के क्षेत्र। 3 पॉइंट, व्यक्ति का मनुष्य के रूप में विकास और सामाजिक समायोजन करना, बिल्कुल। दूसरा ज्ञान और निपुणता में वृद्धि द्वारा व्यक्तियों की रुचि में बढ़ोतरी करना, तीसरा समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो ये रॉबर्ट जो है हार्टफोर्ड के अकॉर्डिंग आते हैं, हार्टफोर्ड के अकॉर्डिंग जिन्होंने समूह कार्य के क्षेत्र बताए थे, ये क्षेत्र होते हैं भाई। विकास करना है मनुष्य का, व्यक्ति का सामाजिक समायोजन, व्यक्तियों की रुचि बढ़ाना है, उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाना है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखेंगे 1940-50 के बीच में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक प्रभाव समूह कार्य के व्यवहार में आया और इस कारण यह समझा जाने लगा कि सामाजिक अकार्यात्मक, ठीक है, डिसफंक्शन का कारण सांवेगिक संघर्ष होता है। अब सांवेगिक संघर्ष का कारण बनाने वाला, जहाँ पे सामाजिक अकार्यात्मकता का कारण बन रहा है और सामने निकल के आ रहा है सांवेगिक संघर्ष, तो नाम सिगमंड फ्रायड का। और अतः अचेतन, चेतन, अर्धचेतन शब्द आता है तो आप लगा के ही आते हैं फ्रायड का नाम, इसके अलावा कोई और विद्वान जिक्र ही नहीं करता इसके बारे में, जिसके समूह कार्य सांवेगिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के साथ काम करने लगा और द्वितीय विश्व युद्ध में चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समूह कार्य का जन्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत। आपको बता दें एक विद्वान हैं जिनका नाम है हार्ली ब्रेडली ट्रेकर, इन्होंने सन 1948 में 1948 में सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस करके एक किताब लिखी थी और इसी किताब में कुल टोटल 10 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे, 10 सिद्धांत। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे सोशल ग्रुप वर्क, दूसरी किताब है इनकी सोशल ग्रुप वर्क में, इन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेशंस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। देखिए
आपको बता दूँ, सोशल ग्रुप वर्क आएगा आपका तो प्रिंसिपल और प्रैक्टिस आएगा, और सोशल वर्क आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन का, तब आप हार्ली ब्रेडली ट्रेकर का ही नाम लगाएंगे सन 1977 में। ये दूसरी महत्वपूर्ण किताब है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। तीसरा, वर्किंग विथ ग्रुप्स कम्युनिटी एंड कम्युनिटीज़ की बात अगर होगी तो आप समझ जाइएगा कि हार्ली ब्रेडली ट्रेकर का नाम है। 1979 में ये तीसरी महत्वपूर्ण बुक है। आगे बात करेंगे सिटीजन बोर्ड एट वर्क करके न्यू चैलेंज टू इफेक्टिव एक्शन की बात करेगा तो ये चौथे नंबर की बुक है जो हार्ली ब्रेडली ट्रेकर 1970 में ये किताब लिखते हैं। एक लास्ट और पांचवी किताब सोशल ग्रुप वर्क हार्ली ब्रेडली ट्रेकर का है जो 1965 में दिया गया था, सोशल ग्रुप वर्क की किताब। तो सोशल ग्रुप वर्क में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके जब 1948 में उन्होंने किताब लिखा था तो कुल टोटल 10 सिद्धांतों पर जिक्र किया था। 10 सिद्धांत जो निम्न यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, नियोजित समूह गठन का सिद्धांत है, विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत है, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंध का सिद्धांत है, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत है, निर्देशित समूह सहभागिता का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक समूह आत्मनिर्णय का सिद्धांत है, लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत है, प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत और संसाधन उपयोग का सिद्धांत और मूल्यांकन का सिद्धांत। आपको ध्यान रखना होगा इन 10 सिद्धांत के नाम। यदि आपसे पेपर में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है कौन सा सिद्धांत नहीं है, किसी भी कार्य को लगातार संचालित करने के लिए सिद्धांत आवश्यक है। किसी काम को अगर आपको संचालित करना है लगातार तो सिद्धांत होना जरूरी है, और सिद्धांत का अर्थ है सामान्य रूप से माने गए हैं विचार, जहाँ पे परिस्थितियों से दूसरी परिस्थितियों की ओर क्या होता है वो अग्रसर होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, पहला सिद्धांत है नियोजित समूह गठन का सिद्धांत। समाज कार्य के क्षेत्र में समूह सदैव एक मूल इकाई रहा है जिसमें और जिसके माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है, और इस सामाजिक समूह कार्य प्रक्रिया में समूह का उपयोग व्यक्तियों की मदद करने और उसको बेहतर सामाजिक कार्य प्रणाली और विकास के लिए सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो एजेंसी और समूह सामाजिक समूह कार्यकर्ता को समूह के गठन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और एजेंसी को स्वीकार करना चाहिए यदि वह पहले से ही गठित है, इसलिए सामाजिक समूह कार्य प्रक्रिया शुरू करने के पहले कार्यकर्ता को मुख्य रूप से समूह बनाना चाहिए। तो कोई काम करने से पहले आपको उसकी प्लानिंग ज़रूरी है, और बिना प्लानिंग का कोई भी काम सफल नहीं होता। तो समूह का निर्माण सदैव सुनियोजित होना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि बिना किसी नियोजन के समूह का निर्माण किया जाए तो वह अपने लक्ष्यों को शायद ही प्राप्त कर सके, इसलिए नियोजित समूह गठन का सिद्धांत कंपलसरी है। ये पहला सिद्धांत है ट्रेकर का। दूसरा, विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। सामाजिक समूह कार्य प्रक्रिया में किसी व्यक्ति और सामाजिक समूह के विशिष्ट उद्देश्य को समूह कार्य द्वारा सचेत रूप से तैयार किया जाना चाहिए। समूह के साथ संबंध और सद्भाव के साथ साथ एजेंसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समूह कार्यकर्ता को सदस्य को अपने विशिष्ट उद्देश्यों के माध्यम से समाज कार्य के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए, जो व्यक्तियों को विकास के लिए बढ़ने और बदलने में सहायता करता है। मतलब विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत नहीं होगा तो सामाजिक समूह कार्य भी नहीं हो पाएगा सही तरीके से। तो कोई स्पेसिफिक एक उद्देश्य होता है, उन्हीं उद्देश्यों पर हम काम करते हैं, तो लक्ष्यों की अस्पष्टता का भी एक प्रकार से सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंध का सिद्धांत होता है, सो उद्देश्य संबंध का सिद्धांत भी कह सकते हैं। यहाँ सामूहिक कार्य के सिद्धांत में कार्यकर्ता और समूह के बीच सो उद्देश्य संबंध का सिद्धांत का काफ़ी महत्व होता है। एक उद्देश्यपूर्ण संबंध के बिना एक समूह को एक सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता, इसलिए कार्यकर्ता समूह सदस्यों के बीच आपसी स्वीकृति के अभ्यास
के आधार पर एक जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण संबंध स्थापित किया जाना चाहिए, जैसे कार्यकर्ता की समूह द्वारा स्वीकृति, समूह की कार्यकर्ता द्वारा स्वीकृति, स्नेह और आत्मसंचार की पूर्णता, समस्या सुलझाने की इच्छा का विकास करना, समूह सदस्यों का भागीकरण और कार्यकर्ता द्वारा व्यावसायिक ज्ञान का उपयोग करना, सदस्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार देना, समूह रुचि और भागीदारी को नियंत्रित वृद्धि करना, जो बताता है उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंध का सिद्धांत। आपका यह आप करेक्ट हो जाएगा। निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत, इसका मतलब निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत, सामाजिक समूह कार्य में व्यक्तिकरण का सिद्धांत को सतत उपयोग होना चाहिए। बहुधा हर समूह में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित रहते हैं जो कि या तो समूह से पूरी तौर पर जो है सामंजित रहने में सदैव असमर्थ रहते हैं, या समूहगत परिवर्तन के समय उनके सामंजन्य का भरपूर क्षमता नहीं दिखाई देती। तो ऐसे में समाजकारी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है, और उसी प्रकार यह मान्यता है कि प्रत्येक समूह अलग है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों के अनुभव का उपयोग करता है। इसलिए सामाजिक समूह कार्यकर्ता द्वारा निरंतर व्यक्तिकरण अभ्यास का सिद्धांत को भी लागू करता है। एक आपका आता है गाइडेंस ग्रुप इंटरेक्शन सिद्धांत, मतलब निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। सामाजिक समूह कार्य की एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से एक एजेंसी सेटिंग में एक समूह में व्यक्तियों को प्रशिक्षित व्यवसायिक या पेशेवर समूह कार्यकर्ता द्वारा मदद की जाती है। तो सामूहिक कार्य के सिद्धांतों में निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया का सिद्धांत का बड़ा महत्व है। समस्त सामूहिक कार्य की उपलब्धियां समूह के सदस्यों के बीच और समूह के सामूहिक कार्यकर्ता के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं पर ही निर्भर करती है। ठीक है, कार्यकर्ता पूरे कार्यक्रम की गतिविधियों में मदद करना और मार्गदर्शन करता है और प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बातचीत की ध्यान रखेंगे प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। लोकतांत्रिक समूह आत्मनिर्णय का सिद्धांत होता है, हम इसको कह सकते हैं। जनतंत्रीय सामूहिक आत्मनिश्चयकरण का सिद्धांत को भी हम रिलेट कर सकते हैं। समूहकारी जनतांत्रिक का सिद्धांत का तात्पर्य है कि समूह निर्माण की प्रारंभिक चरण में समूह की समाप्ति तक होने वाली समस्त अंतःक्रियाएँ अधिकाधिक स्वप्रेरित हो, अर्थात उसके निर्माण की आवश्यकता का एहसास और निर्माण निर्धारण और संसाधनों का जुटाव और उसका उपयोग करने की विधि इत्यादि चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो सामाजिक समूह कार्य प्रक्रिया में समूह का स्वयं निर्णय लेना, अपनी गतिविधियों को निर्धारित करने में सहायता करनी चाहिए, और आत्मनिर्णय का सिद्धांत समाज कार्य दर्शन के मूल मूल्य है और हमारे काम करने के तरीके पर ध्यान दिए बिना इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य, प्रत्येक समूह में इसके घटक सदस्यों का कुछ औपचारिक संगठन होता है और संगठन की वह प्रक्रिया एक व्यक्ति की प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करती है। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक समूह का गठन किया जाता है तो उन विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक संगठन भी बनाना चाहिए, जो है होना चाहिए लचीलापन का सिद्धांत। प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत, इसका मतलब कि यहाँ कार्यक्रम का अर्थ है केवल गतिविधि और किसी घटना से नहीं, यह एक सीमा अवधारणा है जिसमें व्यक्तियों और सामाजिक समूह संबंध अनुभव अंतःक्रिया की संपूर्ण तस्वीरें शामिल है। कार्यक्रम के अनुभव में समूह जुटाव, सदस्य हित, जरूरतें, अनुभव और दक्षता के स्तर पर शुरू होना चाहिए। इसको प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत कहते हैं।
संसाधनों का उपयोग का सिद्धांत, संसाधनों का उपयोग का सिद्धांत, समूह कार्य के अंतर्गत व्यक्ति और समूह के लिए समूह अनुभव सामग्री का समृद्ध करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके निर्देशित किया जाना चाहिए, और सामाजिक समूह कार्यकर्ता को विभिन्न कार्यक्रम के लिए समूह एजेंसी समुदाय में संसाधनों का उपलब्धता के बारे में ज्ञान देना चाहिए। मूल्यांकन का सिद्धांत एक लास्ट है। सामाजिक समूह कार्य में समूह कार्यक्रम के परिणाम का आकलन करने के लिए मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। सावधानी पूर्वक बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड उचित निगरानी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, ये टोटल थे 10 ऐसे सिद्धांत जो सामाजिक समूह कार्य के थे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांतों से कुछ प्रश्न, ठीक है, कुछ प्रश्नों पर हम लोग जिक्र करते हैं। तो कौन कौन इसके प्रश्न होते हैं ज़रा देखिएगा और इसको लगाने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। चले स्टार्ट करें, प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा आप बताएं तो मैं शुरुआत करता हूं। जी सर। चले तो प्रश्न हमारे सामने ये पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत नहीं है, जरा मुझे बताइए। क्या आप व्यक्तिगत प्रतियोगिता का सिद्धांत पढ़े हैं? सी सर। नहीं जी सर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट चला जाएगा। नहीं। आगे बात करेंगे, प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत का उद्देश्य क्या हो सकता है, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि सामाजिक समूह कार्य और व्यक्ति विशिष्ट उद्देश्यों को सचेत रूप से तैयार करना होगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा जो विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत बताता है। क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य को सचेत रूप से तैयार करना, जो कि विशिष्ट उद्देश्य कहीं है ही नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं है विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, इसलिए आपका यही ऑप्शन सही चला जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोकतांत्रिक समूह आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अनुसार समूह पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, एजेंसी का, कार्यकर्ता का, समूह का, या समूह के व्यक्तिगत सदस्य का? समूह ही यहाँ पर अहम भूमिका निभाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट चला जाएगा। संसाधन उपयोग का सिद्धांत का उद्देश्य क्या हो सकता है, है ना, क्या हो सकता है? तो मैं आपसे कहूँगा कार्यकर्ता का सक्रिय भागीदारी। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है जब ऐसे शब्द मिलते हैं पॉजिटिव तो आप हमेशा उसी को चुनाव करें। और संसाधन उपयोग का सिद्धांत ये बताता है सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समूह संपर्क की प्रक्रिया का मार्गदर्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है ना जी। कौन सा सिद्धांत सामाजिक समूह कार्य में निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत पर बल देता है, कौन सा सिद्धांत है ऐसा? प्लीज म्यूट करवा दीजिए। बैक जी म्यूट करवा दीजिए। हाँ एक बार म्यूट हो जाइए भाई। सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत होता है, ऑप्शन नंबर सी। सी। कौन सा सिद्धांत है सामाजिक समूह कार्यकर्ता और समूह के सदस्यों के बीच एक उद्देश्यपूर्ण संबंध के महत्व पर बल देता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सर ऑप्शन सी, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंध का सिद्धांत को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेवन, कौन सा सिद्धांत समूह कार्यक्रम के परिणामों के मूल्यांकन में महत्व पर बल देता है, क्वेश्चन नंबर सात। मूल्यांकन का परिणाम के मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मूल्यांकन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत समूह अनुभव की सामग्री को समृद्ध करने के लिए जो है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग पर महत्व पर बल देता है, संसाधन उपयोग का सिद्धांत, गाइडेंस डी प्रगतिशील अनुभव। तो अंतः क्रिया वाला है, ऑप्शन नहीं है ना ये सर, बी होगा, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ये ऑप्शन नहीं है, ये एक ऑप्शन ये होना चाहिए था इसमें, ठीक है, निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया
का सिद्धांत, यह ऑप्शन होना चाहिए। गाइडेंस ग्रुप इंटरेक्शन का सिद्धांत, ठीक है ना, यही बताता है ना अनुभव वाला, संसाधनों का उपयोग का सिद्धांत। नहीं नहीं बी सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोलिए एक बार, बी बिल्कुल होगा, बी बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन जाएगा सही। ये देख लीजिए, कार्यकर्ता को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अंतः क्रिया प्रक्रिया जो है निर्देशित करने का महत्व कौन सा सिद्धांत पर बल देता है, तो निर्देशित समूह सहभागिता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सिद्धांत विशिष्ट समूह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक संगठन का विकास पर महत्व पर बल देता है? बताइए जरा, लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत करेक्ट रहेगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम लोग देखेंगे नेतृत्व का अर्थ और नेतृत्व की परिभाषा और विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए।